चलो अब नहाते हैं। प्रभु चलिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है, माता के हाथों के मोदक खाते हैं, चलिए ना। अरे हाँ हाँ मूषक, हम सब आ रहे हैं। प्रभु से जाने को नहीं, परंतु कैलाश पे राज करने आया हूँ। अगर तुम इस नदी में नहीं आते तो मैं अब तक शिव जी और सभी को बंदी बना के कैलाश पे राज कर रहा होगा। बालक तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो, आखिर तुम हो कौन? मैं हूँ बाल गणेश। नहीं देखा, वो राक्षस बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। अच्छा तो क्या हमारा गणेश कम है, वो भी तो शक्तिशाली है। Thank you.
ओ, तो इतने समय तक पानी में क्या कर रहे थे? मैं तो ठंडे पानी का मजा ले रहा था। प्रभु हमारी बहुत हंसी ठिठोली कर रहे हैं, इस बार तो हम इन्हें पकड़ के ही रहेंगे। ओहो, तो चक्रव्यूह रचा गया है। अरे देव हमें छुपकर क्यों देख रहे हैं? पकड़ लिया! मूषक पकड़ो! मैं फिर बच गया। मूषक, तुम्हारी वजह से हम हमेशा हारते हैं। क्षमा करो नंदी, परंतु मेरा ध्यान भटकने के पीछे एक कारण है। क्या कारण? वो मैंने उस तरफ पेड़ के पीछे कार्तिकेय देव को देखा, वो हमें छुपकर देख रहे थे, है ना जी बात? तुम्हारे ये बहाने काम नहीं आएंगे मूषक राज। जब तक तुम सब मुझे पकड़ नहीं लेते, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। चलो पकड़ो, पकड़ो मुझे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब अगर तुमने प्रभु को नहीं पकड़ा तो तुम्हें पेड़ पर उल्टा लटका कर नीचे आग लगा दूंगा। पेड़ पर उल्टा नीचे आग? नहीं नहीं, मैं पकड़ूंगा उन्हें। पकड़ो। पकड़ लिया, मैंने प्रभु को पकड़ लिया। अब मैं पेड़ पर उल्टा नहीं लटकूंगा। खेल कूद बहुत हुआ, अब जल्दी से नहा लो, माँ ने देख लिया तो डांट पड़ेगी। गणेश, ये सब क्या है? हम खेल रहे थे माँ, अभी नहा लेंगे। कोई बात नहीं बेटा। क्या हुआ माँ, आप उदास हैं? अब तुमसे मैं क्या छुपाऊँ गणेश, युद्ध से वापस आने पर कार्तिकेय हमेशा सबसे पहले मेरे गले लगता था, मेरे हाथ के बनाए मोदक खाता था, किंतु इस बार हंसासुर को मारकर वापस आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखा, मैंने कहा था ना, मैंने कार्तिकेय देव को देखा है। वो आपसे नहीं मिले, मुझसे नहीं मिले, इसका क्या कारण हो सकता है माँ? कदाचित वो थका हुआ होगा। वंशज दुनिया जीतने के बाद भी शिव और उनके परिवार से हार जाते हैं। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है हंसासुर, जो सर्वशक्तिशाली है। जब तक वो हमारे पास है, कोई हमसे नहीं जीत सकता। भैया, देखा तुम सबने, मैंने कहा था ना, कार्तिकेय आ गया है। अब और कितनी बार ये बात दोहराओगे मूषक? एक बार और। अपनी खिखी बंद करो और जाओ यहाँ से, मैं थक गया हूँ, विश्राम चाहता हूँ। ठीक है भैया, आप विश्राम कीजिए, हम जाते हैं। इससे पहले कि किसी को कुछ भी पता चले, मुझे वो सर्वशक्तिशाली चीज हासिल करना ही होगा। तुम सबको वही लगा जो मुझे लगा? हाँ, देव कार्तिकेय बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं। इसकी क्या वजह होगी प्रभु? अरे प्रभु कहाँ रह गए? आप रुक क्यों गए प्रभु? नंदी महाराज, ये माँ के सोने का समय है,
हमारे खेल के शोर से माँ की नींद में बाधा होगी, इसलिए आज हम भी सोएंगे। सब सोने जा रहे हैं, यही मौका है। सब अपने अपने कान इधर लाओ। जैसे आप कहें प्रभु। चलो चलो छुपते हैं। सर्वशक्तिशाली चीज मेरा हाथ लग जाए, बस सबको मसल के रख दूंगा। लेकिन उसे ढूंढू कहाँ? भाई हाँ? आप इसे ढूंढ रहे हैं ना? तुम यहाँ? तुम तो सो रहे थे ना? आपको कैसे पता चला भैया? मैंने तुम्हें इन सबको कहते हुए सुन लिया था। चोरी छुपे किसी की बातें सुनना पाप होता है भैया। वैसे आप इसे ढूंढ रहे थे ना? ये वही मोदक है भैया, जिसमें माँ ने वो सर्वशक्तिशाली चीज डाली है, जिसे खाने के बाद हमें युद्ध का अभ्यास करना है। सर्वशक्तिशाली चीज? अरे हाँ, यही तो मैं ढूंढ रहा था। मैं युद्ध अभ्यास के लिए तैयार हूँ गणेश। कहने को तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ गणेश, किंतु तुम मुझे हराओ तो जानू। आपकी यही इच्छा है भैया तो ये अवश्य पूरी होगी। तथास्तु। छोटे भैया आप इधर हैं? तो ये कौन है? ये कैसा सवाल है छोटे? वो नकली है। नहीं मैं असली हूँ। नहीं मैं असली हूँ, तू मायावी है। मैं असली हूँ, तू मायावी है। हंसा सुर को कौन मारने गया था? मैं गया था और उसे मार भी दिया। बग्गम तनिक अनुवाद करके बताइए तो ये क्या कह रहा है? प्रभु ये कह रहा है, ऐसे तो असली नकली का अंतर करना असंभव है। असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है अगम, इसका हल है मेरे पास। आप दोनों भाइयों को आपस में लड़ना होगा, जो जीतेगा वही असली कार्तिकीय भाई होगा। क्या आप तैयार हैं? तैयार है, तैयार है। आरंभ कीजिए। गणेश ये क्या देख रही हूँ मैं? दो दो कार्तिकेय? मेरे असली कार्तिकेय को चोट लग गई तो? रोको इन्हें। अपनी ममता को विचलित ना होने दे माँ, आप जानती है भैया को कुछ नहीं होगा। शंकासुर बता तुमने मेरा रूप क्यों धरा? जब तुम सर्वशक्तिशाली चीज के बारे में पिताजी को बता रहे थे तो मैंने सुन लिया था। मैं उसे ही चुराने आया था। तुम्हें मल्युद्ध करते हुए देखा तो तुम्हारा रूप धरकर यहाँ आ गया, किंतु मैं सर्वशक्तिशाली चीज ग्रहण कर चुका हूँ। फिर तुम मुझसे कैसे जीत गए? सर्वशक्तिशाली चीज? मैं तो लोगों के विश्वास, उनके तप और मानवता की बात कर रहा था शंकासुर। जब तक ये सब मेरे परिवार के साथ है हमें कोई बुराई हरा नहीं सकती। किंतु तुमने क्या खाया? इसने झूठ खाया है भैया। हाँ? मुझे इसके छल का पता पहले ही लग गया था भैया, इसलिए मैंने सर्वशक्तिशाली चीज मोदक में है ये कहकर खिला दी। छल? शंकासुर से छल? आप रुक जाइए भैया, अब मेरी बारी है।
असली तारे भी देख ले। माँ, तुम जैसे पुत्र पाकर तो मैं धन्य हो गई। माँ, आपके मोदक तो शंकासुर खा गया ना? अब क्या हमें भूखे रहना पड़ेगा? गणेश, माँ अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखती। अभी मोदक बना के खिला दूंगी। नहीं नहीं, ये तो अनर्थ हो गया। अब गणासुर इस मणि का दुरुपयोग करके हर जगह त्राहिमाम मचा देगा। मुझे मुझे शीघ्र ही बाल गणेश जी की आराधना करनी होगी। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। क्या हुआ मुनिवर, आपने मुझे क्यों बुलाया? प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभु। भूल? और आपसे? हाँ बाल गणेश, मुझे आपने इतने विश्वास से चिंतामणि दिया था और मैं मूर्ख, मैंने उस महाशक्तिशाली मणि को अपने गले में पहन लिया। तो उसमें क्या बुरा किया? आपकी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। नहीं नहीं बाल गणेश, मुझे उस मणि को गले में नहीं पहनना चाहिए था। वो सबकी नजर में आ गया, जिसकी वजह से बड़ी समस्या हो गई है। समस्या? इसमें कौन सी समस्या मुनिवर? मैं वो मणि नहीं संभाल पाया बाल गणेश, नहीं संभाल पाया। गणासुर ने चिंतामणि को चुरा लिया। क्या? उसका ये दुस्साहस? चिंतामणि की असीम शक्तियों से वो सब कुछ नष्ट कर देगा। इस धरती को, इंसानों को, प्राणियों को, किसी को नहीं छोड़ेगा। वो एक आप ही है प्रभु जो इस पृथ्वी को विनाश से बचा सकते हैं। आप चिंता ना करें मुनिवर, वो मणि आपको वापस मिल जाएगा। प्रभु धन्यवाद। इस चिंतामणि के होते मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। पहले तो मैं उस ऋषि कपिला को मार दूंगा और फिर कैलाश जाकर सारे देवताओं को। सेनापति, हम इसी समय आक्रमण करेंगे। सभी दानवों को तैयार करो। कहाँ जा रहे हो गणासुर? तुम्हारी मृत्यु तो यही लिखी है, फिर तुम क्यों कहीं और जाने का कष्ट कर रहे हो? बाल गणेश, अच्छा हुआ कि तुम यहीं आ गए बाल गणेश, क्योंकि मेरी नहीं तुम्हारी मृत्यु यहीं लिखी और वो भी मेरे हाथों से। ये तो समय ही बताएगा कि किसकी मृत्यु तय है। अरे कायरों, तुम क्या देख रहे हो? मार दो इसे।
कारण है सुर? या तो तुम चिंतामणि मुझे अपने हाथों से दे दो या फिर मैं तुम्हें मार कर ले लूं। बताओ, दे रहे हो या तुम्हें मार दूं? ये चिंतामणि है, इसकी असीम शक्तियों के बारे में। गणासुर, वो चिंतामणि मेरा ही है, इसलिए मुझे सब पता है इसके बारे में। तुम दे रहे हो या मैं मारूं? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम तो। गणासुर, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा समय व्यर्थ मत करो। तुम दे रहे हो या मैं मारूं? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम दे रहे हो या मैं मारूं? अरे तुम क्या मारोगे मुझे, मैं तुम्हें मार दूंगा और फिर तुम्हारे पिता भोलेनाथ को। मैं अमर हूँ। पिता दोनों को मार दूंगा। बाल गणेश, मैं इसके लायक नहीं हूं। मेरा चिंतामणि पर कोई अधिकार नहीं, इसे कृपा करके अपने ही पास रखिए। पर क्यों मुनिवर? प्रभु, ये जिस किसी के भी हाथ लगेगा वो इसका दुरुपयोग कर सकता है, और अगर कभी ये मेरे आश्रम से फिर से चोरी हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है मुनिवर, जैसी आपकी इच्छा। बाल गणेश की जय। बाल गणेश की जय।